देवास के उत्कृष्ट विद्यालय और चंद्रशेखर बांध कांटा फोड़ में स्थित नवोदय विद्यालय में विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसी को देखते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता शासकीय और निजी स्कूलों को तत्काल बंद करने के साथ परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मौजूद नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर ज्ञापन लेने नहीं आए तो युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन को जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के गेट पर चिपका दिया। ये प्रतीत होता है कि अधिकारी छात्रों के प्रति कितने गंभीर हैं, ये दिख रहा है। जब पहले ही बात हो चुकी थी, हमारी दूरभाष पे बात हो चुकी थी कि हम ज्ञापन देने आएंगे, धरना देंगे एक घंटे का और 12 बजे हम आपको ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। अधिकारी तो ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर कोई भी उनके अब्सेंस में कोई भी अधिकारी हमारे से बात करने नहीं आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या धरने का क्या कारण। इसके बावजूद भी आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब उसके बाद आपका अगला कदम क्या? युवा कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। युवा कांग्रेस हमेशा यही चाहेगी कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो और उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाए और शैक्षणिक संस्था सभी बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।